बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दरमियान भयानक हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी की नदी में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे भक्त फ्लैश फ्लड का शिकार हो गया, यानी कि अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और एकाएक ज्यादा पानी आ गया। ऐसे में उन उफनती लहरों में कई लोग समा गए। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जो विचलित कर देने वाले हैं। आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा था और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए लोग नदी के किनारे पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अचानक ऐसा फ्लैश फ्लड आ जाएगा, अचानक नदी में ये उफान आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोगों को तो बचा लिया गया, 7 लोगों को नहीं बचाया जा सका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये हैरान कर देने वाली, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये माल नदी है जिसमें अचानक सैलाब आ गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर अचानक बारिश हुई, जिसके बाद नदी का रूप पड़ता चला गया और उसकी लहरें तेज होती चली गईं। तो बड़ा सवाल यह है कि जब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था या पता था कि मूर्ति विसर्जन होना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पर क्यों नहीं इस तरह की टीमें थी? क्योंकि हर वक्त हमेशा ऐसी आशंका रहती है नदी के किनारे कि कोई गलती से डूब जाए या कोई बह जाए, तो उसके लिए बचाने के लिए वहां पर बचाव दल मौजूद होना चाहिए था। ये जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर ये प्रबंधन, ये जो तंत्र था वो मौजूद क्या नहीं था, ये बड़ा सवाल है। 7 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अचानक नदी में पानी बढ़ा, नदी में पानी बढ़ता है जब बारिश होगी, तो नदी में अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन क्या प्रशासन को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो नदी है और नदी अपना रूप कभी भी विकराल कर सकती है? पहाड़ों में बारिश होती है या ऊपरी हिस्से में बारिश हो तो फिर निचले हिस्सों में पानी अपने आप बढ़ता चला जाता है, बारिश के बाद से पानी सारा एक साथ नीचे की ओर बहता है, और यही हुआ। एक शुभ मौका था, सब लोग बहुत खुश थे, हाथों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं थी। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। ऋतिक, अचानक ऐसा क्या हुआ, फ्लैश फ्लड आया? क्या वहां पर इंतजाम मुकम्मल नहीं थे? क्या उनको इस बात का आभास नहीं था कि नदी में इस तरह से फ्लैश फ्लड आ सकता है या कोई बह सकता है? क्या तंत्र मौजूद नहीं था वहां पर सेफ्टी के लिए लोगों की? देखिए, कल विजयदशमी के दौरान जलपाईगुड़ी के माल नदी के किनारे काफी सारे लोग एकत्रित हुए थे। कहा जा रहा है कि ये संख्या हजारों के तादाद में थी। आप जानते हैं कि ये जो माल नदी है या फिर उत्तर बंगाल के जितने भी नदी है, साल के इस दौरान यानी सितंबर और अक्टूबर महीने में उसमें पानी ज्यादा नहीं रहता, लेकिन हालांकि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश चल रहा है, तो करीब 9 बज रहा था तब एक गाड़ी जिसमें जो दुर्गा प्रतिमा है उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको बीच पानी में ले जाकर वहां पर विसर्जित किया जा रहा था दुर्गा का प्रतिमा को, और उस दौरान काफी सारे लोग उस नदी के अंदर थे, लेकिन हालांकि उसका तो पानी नहीं था। अचानक आई सैलाब में लोग बह गए। हमें बताया जा रहा है कि इस दुखद घटना में अब तक मृतकों की संख्या जो है वो 8 हो गई है, लेकिन जो कभी जो अभी तक जो खबरें जो जो ठीक है ऋतिक, नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।